नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर किया जा रहा प्रदर्शन। बड़वानी जिला मुख्यालय पर पुराना कलेक्ट्रेट के सामने मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ के बड़वानी जिलाध्यक्ष अनिल जोशी ने बताया प्रमुख मांगे जो कई दिनों से शासन को अवगत कराकर, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षकों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, अन्य कर्मचारियों की तरह आर्जित अवकाश दिया जाए। पुराने कलेक्ट्रेट के सामने टेंट में शिक्षक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वहां पर सरकार को जगाने के लिए, सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का आयोजन भी किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चलेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवो पवन कुमार प्रणवो शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल जोशी, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला बड़वानी। आज पुराने कलेक्ट्रेट में आप धरना प्रदर्शन को क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेश के पूरे 52 जिला मुख्यालयों पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की जिला, तहसील, विकासखंड और नगर इकाइयों के द्वारा संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन का आह्वान किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से हमारे जो शिक्षक संवर्ग के जितने भी साथी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, जो नए शिक्षक संवर्ग हैं उनको प्रथम नियुक्ति दिनांक से उनको वरीयता प्रदान करके क्रमोन्नति और पदोन्नति दी जाए, और जो सहायक शिक्षक है उनको पदोन्नति दी जाए या उच्च पद का उनको प्रभार दिया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि अन्य कर्मचारियों की तरह 300 दिन का अर्जित अवकाश दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यदि आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, ये धरना 11 बजे से 4 बजे तक है, बीच में सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया है, और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो अगले चरण में 26 फरवरी को भोपाल में प्रदेश स्तर का एक दिवसीय धरना रखा गया है। 11 बजे से 4 बजे तक, एक दिन का। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।